डिस्ट्रीब्यूशन आपने अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अब वो डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपने क्या होना, डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या आता है कि स्पेसिफिक टाइप का जो है वो आपके पास डेटा सेट मौजूद था, जिस तरीके से अगर किसी के अंदर टाइम इंटरवल मौजूद है या फिर उसके जो है वो आउटकम सिर्फ दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है या फिर जो है वो गिवन इंटरवल्स पे बात हो रही है और एकदम से सक्सेस अगर हो जाए, तो इस तरीके से अगर हमें जो है वो डिस्क्रीट के फॉर्म में जो है अगर हमारे पास कुछ रैंडम वेरिएबल्स अकर हो रहे हैं और वो डिस्क्रीट मतलब PMF की प्रोबेबिलिटी को जो है वो वेरीफाई करते हैं, तो दैट मींस कि हमें क्या करना होता है वहां पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो यही चीज जो है वो आपके पास जो है वो अब वहां पे हमने सारे जितने भी पैरामीटर अंडरस्टैंड किए थे वो सारे के सारे किस बेसिस पे किए थे, डिस्क्रीट की बेसिस पे किए थे। ठीक है, और वहां पे मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात नहीं करूंगी मैं, जब कंटिन्यूस का चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो डेफिनेटली कंटिन्यूस वेरिएबल को जो है वो इन डेप्थ स्टडी करेंगे, कैसे कौन से वेरिएबल हैं जिसके अंदर जो है हम कंटिन्यूस स्टडी करें। तो डिस्क्रीट के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था कि जितनी भी हम लोग बातचीत करेंगे वो सारे के सारे किस पे करेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे कि होल नंबर, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पॉइंटिंग या फ्लोटिंग नंबर इंक्लूड ना हो, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब यही बात जो है वो आपसे लास्ट टाइम, और इसी के ऊपर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब होल नंबर्स के ऊपर जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लग सकती थी, जितने भी सर्टेन डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकती थी, वो हमने सारी की सारी पढ़ी। ठीक है, तो जो कॉमन और जो मेजर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस थी, जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक पढ़ी, हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ी, बायनोमियल पढ़ी, पॉइजन पढ़ी, तो ये जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी, सबको हमने जो है वो डिस्क्रीट के प्रस्पेक्टिव से जो है वो बहुत अच्छे से जो हमने क्या कर लिया उसको जो है वो सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, तो लास्ट का लेक्चर होपफुली आपके पास रिकॉर्डेड भी होगा, तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो डेफिनेटली आप वहाँ से दोबारा से सुन सकते हो, समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे अब हमें मूव किसकी तरफ करना है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरफ मूव करना है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की तरफ मूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो है वो कंटिन्यूस की तरफ मूव करने के लिए हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को स्टडी करना होगा और उसके ऊपर ही फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस को, जो सेम प्रैक्टिस हमने वहाँ पे आपके साथ की थी डिस्क्रीट के लिए कि पहले डिस्क्रीट को समझा था कि डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, उसके अंदर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट की थी और उसके अंदर वेरियंस कैलकुलेट किया था और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस देखी थी, तो वही सारी की सारी सेम चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन सारी की सारी किस परस्पेक्टिव से देखेंगे, कंटिन्यूस के परस्पेक्टिव से देखेंगे, कुछ भी डिस्क्रीट के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब सब कुछ कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूस अगर मैं सिंपल एक कंटिन्यूस के कीवर्ड, ये जो सिंपल बेसिक कंटिन्यूस का कीवर्ड है, अगर सिंपल इसकी बात करूं कि व्हाट इज दैट मीनिंग, कि इसकी एग्जैक्टली जो है वो क्या मीनिंग होती है, तो आप क्या कहोगे कि कंटिन्यूस का मतलब होता है विद इन अ इंटरवल। विद इन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि छोटे 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 आपस में जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट रियल पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस। अगर मैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का ग्राफ भी अगर आपके साथ शेयर करूं, तो आप यही कहते हो कि कंटिन्यूस के अंदर आपके पास क्या होता है कि एक ऐसा ग्राफ होता है जो बिल्कुल कंटिन्यूटी होता है। अब जैसे कि एक ये वेव फॉर्म में, अब ये वेव फॉर्म क्या है, बिल्कुल कंटिन्यूस वे में। अगर इसी की जगह पे आपने डिस्क्रीट के अंदर जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स पढ़े, जिस तरह मैंने आपको इस तरह के कुछ डिस्क्रीट नेचर्स के ग्राफ पढ़ाए थे जो अपने पॉइंट्स के अंदर जो है वो अकरते, जिस तरह ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, अब ये हर वैल्यू किसके अंदर अकरे, अब ये हर वैल्यू जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो सेम अपनी पॉइंट्स पर करे, अब 0 से लेके 1 तक के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स है वो डिस्क्रीट कैप्चर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को 0 बोल रही हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं 1 कह रही हूँ और इस पॉइंट को जो है वो अगर मैं 2 कह रही हूँ, तो अब ये कंटिन्यूस नेचर में क्या है कि ये 0 से लेके 1 तक के, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके 1 तक के सारे पॉइंट को कैप्चर किया है, ये जो लाइन है ये इस बात की गवाह दे रही है, गवाही है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कैप्चर किया गया है। ठीक है, तो ये तमाम कंटिन्यूस पॉइंट 0 से लेके 1 तक के तमाम पॉइंट्स को कैप्चर किया जा चुका है, तो 0 से 1 तक के तमाम पॉइंट्स को कैप्चर किया जा चुका है, तो इसका मतलब है कि एक सर्टेन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट अकर हो सकते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैप्चर करना कंटिन्यूस में पॉसिबल है, लेकिन उनको कैप्चर करना डिस्क्रीट में पॉसिबल
नहीं, लेकिन चूंकि हम मैथमेटिक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम जो है वो स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब है कि अगर हमें डिस्क्रीट के पॉइंट्स भी, हमें डिस्क्रीट के परस्पेक्टिव से भी हमें अपना डेटा सेट के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट का डेटा सेट हो तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर हम कंटिन्यूस नेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं, इन दी केस कि हमारा डेटा कंटिन्यूस नेचर पर डिपेंड करता है, तो भी हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डेटा सेट एक दूसरे से डिस्टिंग्विश है, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। ये आपके इंटरवल को कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके इंटरवल को कैप्चर कर रहा है। तो कभी हमारे पास ऐसा डेटा सेट की भी ज़रूरत पड़ जाती है जिसके अंदर हमें इस इंटरवल के दरमियान में भी छोटे छोटे तमाम पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 0 और 1 के दरमियान इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, इन इन्फिनिटी पॉइंट्स के दरमियान में हमें हर पॉइंट के अंदर कैप्चर करने की ज़रूरत होती है कि डेटा का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूँ, आपकी हाइट से बात कर रही हूँ, तो हाइट के अंदर जो है वो आपके पास कंटिन्यूस नेचर आ जाता है। इसके अंदर आप एक एक पॉइंट, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक नैनो, माइक्रो, हर चीज़ को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यही बात मैं आपसे करूं कि अगर टीवी जो है वो डिफेक्टिव है, तो अब टीवी डिफेक्ट होने की वजह से आप इसके अंदर कंटिन्यूस नेचर नहीं कर सकते कि भाई 1 पॉइंट टीवी डिफेक्ट है, 2.5 टीवी डिफेक्ट है, मतलब एक आधा टीवी डिफेक्ट है और आधा नहीं है। तो ऐसे पॉइंट आपको पता है कि अब हम इतनी ज़्यादा जो है वो इतने पुराने मैथ्स की दुनिया में नहीं है, अब हम नई दुनिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स है और हर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो चुका है। जैसे अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट की बात करूं, तो पहले अगर काउंटिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो काउंटिंग जो है ये रोमन में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये काउंटिंग जो है वो पहले रोमन में लिखी जाती थी। अब ये रोमन का मतलब क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास वर्डिंग्स भी नहीं थी, इस तरह हम रोमन वर्डिंग के अंदर जो अपनी काउंटिंग को डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, अब ये रोमन वर्डिंग के अंदर करते थे सिंपल, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह कोई भी रकम नहीं थी। अब इन रोमन के ऊपर जो है वो हम फर्दर ऑपरेशन भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जैसे इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। फिर आहिस्ता आहिस्ते करके जो ना हमारे पास इन्वेंट हुई थी कि भाई अब हमारे पास इस तरह के 1 2 3 4 इस तरह कंटिन्यूस नेचर के नंबर आने लगे, डिस्क्रीट फॉर्म के नंबर आने लगे। तो फर्दर अगर हम स्टार्टिंग में अल-ख्वाज़मी की बात करें, तो वहाँ पे तो सिर्फ इतना ही इन्वेंशन थी। उसके बाद थ्रो प्रॉपर जो है वो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर ना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना इसके ऊपर डिवाइड कर सकते हो, ना इसके ऊपर आप रेशो निकाल सकते हो। अभी हम कितनी कुछ निकालते हैं काउंटिंग्स के ऊपर, काउंटिंग पे हम क्या कुछ नहीं निकालते, क्या कुछ नहीं कवर करते काउंटिंग्स की वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम इन वैल्यूज पे हम कुछ कवर नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो पुराना जमाना था मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारे पे बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, तो वो इन वैल्यूज पे काम करते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते इन्वेंशन इंट्रोड्यूस करके वो नंबर की तरफ आए, फिर नंबर को भी फर्दर क्लासिफाई करते चले गए, जो कि हमने स्टैट्स की प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट टाइप देखते गए। ठीक है, तो ये होता है तरीका कि अब हमारे पास तो है वो डिफरेंट ब्रांचेस आ गई है कि अगर हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, तो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ते हैं जिसके अंदर कोई भी बात हम कंटिन्यूटी की नहीं करते, सारी के सारे डिस्क्रीट पॉइंट के परस्पेक्टिव से बात करते हैं। और अगर हमें कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी, अगर हमें कंटिन्यूस मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, तो फिर हम कंटिन्यूस मैथमेटिक्स की तरफ हम कहाँ जाते हैं, कैलकुलस वगैरह की तरफ, क्योंकि कैलकुलस जो है वो बेस करती है आपकी कंटिन्यूस मैथमेटिक्स पे। तो आप डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और क्या नाम है, पार्शियल डेरिवेशन, पॉइंट ऑफ मतलब इस तरीके की फिर डिफरेंट जो है वो आप क्या कर रहे होते हो, स्टडी करते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो और आपको उस वक्त जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास कौन सी ब्रांच है जिस पे आपको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास जो है वो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होपफुली अब आपको ये कंटिन्यूस का कीवर्ड समझ आ चुका है। अब हम मूव करेंगे सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, सेकेंड वर्ड की तरफ, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड आपके लिए इतना ज़्यादा फेमिलर मतलब फेमिलर है, इतना ज़्यादा यूनिक नेम नहीं है, क्योंकि अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कीवर्ड से जानते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन है, मतलब एक एक्स रैंडम वेरिएबल, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर वो दो प्रॉपर्टीज पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो तो बॉक्स था, वो तो रैंडम वेरिएबल्स थे, लेकिन डिस्क्रीट नेचर के। अगर यही चीज़ हम कंटिन्यूस नेचर पे बात करें, तो फिर क्या प्रॉपर्टीज़ बनेंगी।
तो अब कंटिन्यूस नेचर की मैंने जब आपसे बात करी, तो कंटिन्यूस नेचर पे जब भी हम बात करते हैं, डेटा के कंटिन्यूस नेचर होने पे बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि हम मूव करते हैं किसकी तरफ, कैलकुलस की तरफ मूव करते हैं। और कैलकुलस में जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं वो सारे कंटिन्यूस मैथमेटिक्स की होती हैं। तो कैलकुलस में आप क्या पढ़ते हो, कैलकुलस में आप ज़्यादातर क्या पढ़े होते हो, मैथमेटिक्स की वो पढ़ते हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से आप जो है वो अब टाइम के मुताबिक या कंटिन्यूस डेटा पे डील कर रहे होते हो। तो जब आप कंटिन्यूस डेटा पे डील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा कैलकुलस की तरफ। अब वो कैलकुलस की तरफ मतलब अगर हमें अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, लेकिन कंटिन्यूस नेचर का फाइंड करना है, तो फिर आपके पास जो दो प्रॉपर्टीज लाई होती हैं वो ये आती हैं। डिस्क्रीट में आपने ये दो प्रॉपर्टीज क्या लाई करी थी कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हो, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि आप उसे लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करोगे और उसका आंसर अगर वन आए, दैट मीन्स कि वो क्या है आपके पास, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास लाई करती है, अगर आपके किसी डेटा सेट के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर ये दो प्रॉपर्टी लाई करती है, तो उसका मतलब है कि आप उसे क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जरा वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि इन दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई किस तरह करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो इस तरह की दो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने से पहले कहा था, दैट इज कॉल्ड द PMF। PMF का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, लेकिन वो क्या था, डिस्क्रीट के मीनिंग में था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मास फंक्शन का इस्तेमाल था डिस्क्रीट की वर्डिंग में, लेकिन अब यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूस की मीनिंग की बात कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन कीवर्ड से फेमिलर रहना है कि कौन सा कीवर्ड कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा कीवर्ड डिस्क्रीट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब उम्मीद है कि वो वाला चैप्टर पढ़ने के बाद, आपको वो वाले टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद, आपको ये टॉपिक अब समझ आ रहे होंगे। अब जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिफरेंशियल फार्मूले और इंटीग्रेशन के फार्मूले अप्लाई किए हैं। तो डिफरेंशन तो नहीं, डिफरेंशिएशन तो नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा पे मैंने कहा था जब भी हम जो है वो फाइंड आउट करने की बात करते हैं, अब हम डिस्क्रीट के फॉर्म में अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल सबको सम कर रहे थे, ठीक है। डिस्क्रीट के अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर रहे थे, मतलब अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे थे, तो हर प्रॉपर्टी पे हम क्या कर रहे थे, उसमें सम कर रहे थे, ठीक है, कि भाई अगर हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ग्रेटर देन थ्री की, तो मैंने कहा वन में से माइनस कर दो, लेस देन थ्री, और लेस देन थ्री में जितने भी पॉइंट ऑफ फैक्टर मौजूद हैं उन सबको ऐड कर दो। वहाँ पे जितनी भी हमने बात की थी वो सारी क्या बात की थी, एडिशन की सारी बात की थी। अब एडिशन यहाँ पे भी होगा, एडिशन डिस्क्रीट में भी हो रहा था, तो सिंपल आप एडिशन परफॉर्म कर रहे थे सारे। हेलो स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है? एक्चुअली नेट बीच में काफ़ी ख़राब हो रहा है, मतलब बीच बीच में से डिसकनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं। वापस जो है मैं बात कर रही थी आपसे सम की, कि डिस्क्रीट में हमने जितनी भी बातें की थी वो सारी किस पे की थी, सम पे बात की थी, ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी वैल्यू पे हर प्रोबेबिलिटी को सम करते जा रहे थे और फाइनली बता रहे थे कि अगर वन के बराबर है इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो ये सारी बातें हम कर रहे थे उस पे डिस्क्रीट पॉइंट पे, तो हम सिंपल समेशन अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, समेशन का कीवर्ड यूज कर रहे थे और समेशन यूज करते जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, इस समेशन की जगह पर, इस समेशन के रिप्लेसमेंट पे आपने क्या करना है, इंट्रीगेशन फार्मूला इस्तेमाल करना। अब ये इंट्रीगेशन फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमें इंट्रीगेशन फार्मूला इस्तेमाल करने की, तो इस इंट्रीगेशन फार्मूले के अंदर हमें क्या करना होता है के सबसे पहले आपके पास ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। अब इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, समेशन,
ठीक है, लेकिन समेशन यहाँ पे है, वहाँ पे डिस्क्रीट के अंदर डायरेक्ट आप एडिशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटी को सम करके फाइनली आंसर बता रहे थे, लेकिन अब ये कंटिन्यूस पे रैंडम पे बात हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी समेशन होगा। लेकिन लेकिन आपको पता है कंटिन्यूस के अंदर जब आपने समेशन करना होता है तो उसका मतलब है कि आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी होती है। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपको फाइंड करने के लिए दी जाएगी तो आपने ये बात जहन नशीन करनी है कि आपने जब भी फाइंड करना है आपने हमेशा क्या करना है, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, ये चैट में कह रहे हैं रिकॉर्डिंग, भाई मैं यहाँ से सबसे पूछ चुकी हूँ, किसी फंक्शन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि ये पीडीएफ है कि नहीं है, एंड आल्सो स्केच द ग्राफ। अब अगर हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, तो हम वहाँ पे दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते थे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उसके एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और दूसरी प्रॉपर्टी होती थी कि समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन अब यहाँ समेशन का कीवर्ड यूज़ नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस डेटा से डील हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन के कीवर्ड के लिए आपने क्या करना है, और इंटीग्रेशन के लिए आपने क्या करना है, इसकी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब है लोअर लिमिट, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब है अपर लिमिट। तो इसे आप लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक के इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। अगर आपके पास ये दो प्रॉपर्टी लाई करती है आपके फंक्शन में, दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए आपने क्या करना होगा, ये आपके पास फंक्शन गिवेन है, इन्होंने कहा इसे वेरीफाई करके बता दें क्या ये डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। तो अब आपने वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या क्या चेक करना है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन आपके पास गिवेन है ये 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो वो उसमें आंसर जो है वो एक्स का कुछ भी रखोगे इस लिमिट के दरमियान में, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 की वैल्यू देगा। तो पहली बात तो वेरीफाई हो गई कि इस लिमिट के दरमियान में जो भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाए इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो पहली पहली तो आपके पास क्या आ गई, पहली पहली आपके पास कंडीशन वेरीफाई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट पे इंटीग्रेट करें और आंसर क्या होना चाहिए, 1। तो इसकी लोअर लिमिट आपके पास फंक्शन की क्या गिवन है, 0, और अपर लिमिट क्या गिवन है, 4। तो आप इसे लोअर से अपर पे इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब यहाँ पे 0 से 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, फंक्शन की जगह पे आपने फंक्शन सब्सटीट्यूट कर दिया और 0 से लेके 4 पे इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन का प्रोसीजर मैं कतन ही एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अभी भी आप एक सेमेस्टर के अंदर कैलकुलस को स्टडी कर रहे हो, तो उम्मीद है कि वो टीचर आपको लाजमी इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ा रहे हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा रहे तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये आपने सिंपली फंक्शन को लिया, फंक्शन को आपने इंटीग्रेशन किया बाय यूजिंग सम रूल्स। अब आपने रूल्स करने के बाद इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आपने क्या किया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दी, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं फाइनली एंड में, यहाँ आपने फाइनली एंड में लोअर एंड अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करी। जब आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ गया, 1।
इसका मतलब है कि आपकी पहली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई और दूसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। इसलिए आप क्या कहोगे कि ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन आपके पास गिवन था, ये फंक्शन आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द पीडीएफ फंक्शन। मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या निकला, ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन मौजूद है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहता, आल्सो स्केच द ग्राफ। इसका ग्राफ भी आपने स्केच करना है। तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपके पास ये फंक्शन गिवेन है और ये लिमिट्स गिवेन है। तो इसका ग्राफ स्केच करना है, तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसमें एक्स की एक एक करके वैल्यू सब्सिट्यूट करनी होगी। पहले एक बार जीरो सब्सिट्यूट करें, फिर एक बार जो है वो वन सब्सिट्यूट करें, फिर टू सब्सिट्यूट करें, फिर थ्री एंड फोर, यहां तक कि आपने वैल्यू सब्सिट्यूट करे। देखिए फंक्शन में जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो 0.5, वन करेंगे तो 3.5, इस तरह सो ऑन। जब आपने सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर ली, आंसर फंक्शनल की आ गई, तो फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें। ग्राफ ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पे इसकी फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू वो वैल्यू जो एक्स सब्सिट्यूट करके आपने यहाँ पे हासिल की है। तो एक्स सब्सिट्यूट करके आपने ये वाली वैल्यूज आपने हासिल की है, ये वाली वैल्यूज आपने वाई 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 एक्सिस पे लगा दी, और ये वाली बाकी आपके पास जो रेंज थी वो आपने एक्स एक्सिस पे लगा दी। फिर डेफिनेटली आपको पता है जीरो पे आपकी वैल्यू क्या है, 0.5, जीरो पे आप लेकर आए 0.5, वन पे आप क्या है 0.35, 0.35 आप यहाँ पे ले आए, टू पे क्या है 0.25 यहाँ पे लेकर आ गए। तो एक एक करके आपने क्या करना है, ठीक है, तो एक एक करके आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन एक एक करके वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, और वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद जो है वो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज, आपके पास एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने गिवन की है कि इसमें आपको ये बताना है वेरीफाई द पीडीएफ। वेरीफाई करें आप पीडीएफ को, ठीक है, इस वेरिफिकेशन करनी है पीडीएफ को, और ये इतने सारे आपके पास पीडीएफ गिवन है, ठीक है। अब ये पीडीएफ गिवेन है, पहला फंक्शन गिवेन है, इसकी रेंज गिवेन है, दूसरा फंक्शन गिवेन है, इसकी रेंज गिवेन है, तीसरा फंक्शन गिवेन है, इसकी भी रेंज गिवेन है। अब ये तीन फंक्शन है, तीनों की रेंज आपके पास गिवेन है, तो इसमें आपने क्या करना होगा, फाइनली एक एक करके जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप इस एफ ऑफ एक्स वाले की जगह पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर आप इस पूरे फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, फिर आप इस पूरे फंक्शन पे। तो ये देखें, ये कंप्लीट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, ये कंप्लीट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, इसमें आपने इसकी लिमिट अप्लाई कर दी -3 से +1। तो ये आपने इंटीग्रेट किया -3 से +1, फिर आपने प्लस किया क्योंकि इसने कहा कि सारे एक ही पीडीएफ है, एक ही फंक्शन है, तो आपने दूसरी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, प्लस करके आपने दूसरा फंक्शन लिख दिया। दूसरा फंक्शन पे आपने इंटीग्रेट किया 6 -2x, इस पे आपने इंटीग्रेट किया, इसकी लिमिट क्या है -1 से +1, तो आपने इसकी लिमिट लगा दी -1 से +1। फिर प्लस अप्लाई किया, और प्लस अप्लाई करने के बाद आपने तीसरा फंक्शन लिख दिया, तीसरे फंक्शन की लिमिट क्या है 1 से लेके 3, तो 1 से लेके 3 पे आपने क्या किया, तीसरी लिमिट अप्लाई कर दी। फाइनली आप ये सारे के सारे एग्जैक्टली आप पैरेलल लेके चलेंगे इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में आपको कतन नहीं समझाऊंगी, अभी भी कैलकुलस पढ़ रहे हो, और शायद आपको सर अतीक पढ़ा रहे हो, सर अतीक नो डाउट बहुत अच्छी कैलकुलस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें नहीं ना खामा खामा दे मैम, ऐसा क्यों तो नहीं है सर नहीं पढ़ाते? अच्छा क्या हो गया भाई, मैम, एक सवाल करा के पूरी एक एक्सरसाइज करानी है। और सवाल मैम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने इंटर में मैथ नहीं पढ़ी है। आयो क्यों तुम लोग? नहीं मैम, स्टैट्स के भी हैं कुछ जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी है। स्टैट्स पढ़ने, स्टैट्स का ऑप्शन बेटा फिजिक्स के साथ मिलता है, मैथ्स के साथ नहीं मिलता, मैथ्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। समझ आ रही है? ये बेवकूफाना बातें मेरे साथ मत करो, मैंने भी इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स किया हुआ है। लेकिन मैम इंटीग्रेशन तो कुछ ने नहीं की हुई, जैसे कि क्यों डिप्लोमा वाले क्यों भी हैं क्यों नहीं? कुछ। जी मैम, तो कोई बात नहीं, डिप्लोमा वाले तो सर अतीक आपको कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, उससे पढ़े। वहां पे एक ऑप्शन आपको एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है, तो वहां पे मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी एक चीज को, आप मैम वहां से अपना वो काम कराते हैं बिल्कुल। इंटीग्रेशन डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, हमने भी ये बोला मैम था कि इंटर वो में भी आप यही, वो भी इंटीग्रेशन सेम पढ़ेंगे। यही कहते हैं कि आप इंटर में तो करके आए हैं ना, हाँ तो जबकि इंटर में मेरे तो रिजल्ट आपने सेकंड भाई, ऑर्डर आ गया है जो इंटर में नहीं था, वो एडवांस लेवल है, लेकिन वो बोलते हैं इंटर में किया हुआ आपने। यस मिस नाइस सर, यही बोलते हैं हमें। मैम बेटा, आपको हमने, रिकॉर्ड करके सुना देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड करके सुना देना है। वैसे एक बात है, इंटरमीडिएट आप स्टेट्स करो, इंटरमीडिएट आप कुछ भी करो, ठीक है, स्टेट से करोगे तो स्टेट की सब्सिट्यूट आपका होता है किसके साथ, फिजिक्स के साथ। मैथ्स, स्टेट्स और कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन बनता है, क्योंकि मैंने भी सेम ऑप्शन लेके ही इंटरमीडिएट किया हुआ है। समझ आ रही है?
और इंटरमीडिएट के अंदर मैंने खुद भी किया है तो मुझे अच्छे से पता है। मेरी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 पूरा इंटीग्रेशन का था, और अब आपकी नई अपडेटेड बुक आई होगी तो उसमें शायद आगे पीछे, लेकिन आज भी मेरे पास अब आपके पास चैप्टर 6 है, और आपका 5 ईयर के एंड मुताबिक आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन का किसी भी कीमत पे किसी भी तरह इंपॉर्टेंट के अंदर भी देखोगे तब भी आप इंटीग्रेशन का टॉपिक नहीं छोड़ सकते, ठीक है? क्योंकि लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं इंटीग्रेशन के वो हमने नहीं किए थे। यस मिस, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें जो भी हमें पढ़ा है वो हमें पढ़ा है वहां पे। देखो यहां पे वैसे भी इंटीग्रेशन इतनी हाईफाई नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन होती भी है तो कांस्टेंट वैल्यू पे होती है, ठीक है? जैसे अगर इसकी इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट को निकाल दो, उसके बाद सिर्फ एक्स पे इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टैट्स के अंदर जो इंटीग्रेशन है ना वो इतनी ज्यादा हाई है भी नहीं। जिस तरह आप प्योर कैलकुलस पढ़ रहे हो तो कैलकुलस में तो शायद काफी हाई हो, जिसके अंदर वो सारे साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल इस टाइप की चीजें काफी बता रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेट्स में अगर करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस सा फंक्शन गिवन होगा, और यहाँ पे तो आपके पास ln वगैरह पे भी आपको इतनी आराम से, मतलब वहाँ पे तो u into v का फॉर्मूला वगैरह भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रीगेशन अप्लाई होगी वो एक बेसिक इंट्रीगेशन होगी, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसमें इतने ज्यादा हाईफाई नहीं होंगे, समझ आ रही है? तो इसलिए आप कोई फिक्र की बात नहीं है, इतनी यहाँ पे इंट्रीगेशन इस्तेमाल होगी जितनी इंटरमीडिएट में इस्तेमाल थी बस, और इतने से ज्यादा नहीं है। बाकी आप ये इंट्रीगेशन कर लो, इंट्रीगेशन के सोल्यूशन आपके सामने प्रोवाइडेड है, एक बार अप्लाई करके चेक करो, इन दी केस अगर समझ नहीं आता तो फिर देख लेते हैं। ठीक है मैम, सही है? अभी अप्लाई करो क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ ना, जब सोल्यूशन प्रोवाइड है तो उसको अप्लाई करना मुश्किल काम नहीं है, अगर सोल्यूशन प्रोवाइड ना हो तो फिर आपको अप्लाई करना मुश्किल है। और मैं बिल्कुल भी आपसे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप लोगों ने सर अतीक आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आ रही सही से, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं इस बात से मैं। नहीं, लेकिन मैं सही बात है, वो टॉपिक से हट के हर बात ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं मेरे टॉपिक के। यस मिस, एक्सक्यूज मी मिस, बोलो भाई। मिस, ये जो आपने असाइनमेंट दिए पहले भी दिए जैसे उसके प्रोबेबिलिटी वगैरह के, तो ये जैसे हम लोग सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, तो ये पेपर में आएंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, या आपको सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में आपने रैंडमली करना है, डेफिनेटली सॉल्यूशन तो मैं खुद चेक करूंगी। अभी आपको नहीं पता कि आंसर सही आ रहे कि नहीं आ रहे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन का ना वो भेज देती हूँ आपको, क्या नाम है, सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के पीछे के एग्जाम वो जो नहीं होते आंसर्स लिखे हुए होते वो मैं सेंड कर देती हूँ। जी मैं एक्सपेक्टेशंस वाले सवाल में ना बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, मैं भेज दूंगी सवाल के ना आंसर्स भेज दूंगी। ठीक, और मिस वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाले के लिए याद दीजिएगा जो आपने कल परसों जिसकी पेजिंग डॉक्यूमेंट शेयर की है, वो कल परसों सीआर ने किया, मैं सीआर से कह देती हूँ कि अगर उसके होंगे आंसर्स तो उसके भेज दूंगी, अगर नहीं होंगे तो जिसके हैं उसके भेज दूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी कि निकल आए सबके। अच्छा, स्लैब कब हो गया हमारी? लैब बस आज करेंगे, आज इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। हाँ तो आज लैब भी साथ करेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब तुम लोग बातें बंद करो, क्या? अच्छा तुम लोग वो हो ना, नहीं तुम हमजा वाले हो ना, इवनिंग वाले हो ना? यस मिस। हाँ तो बस इवनिंग वाले यहाँ पे स्टे करेंगे, मॉर्निंग वाले चले जाएंगे, फिर इवनिंग वाले पढ़ेंगे। अच्छा इवनिंग मॉर्निंग वाले जो है वो क्या नाम है, आज तीसरी लैब करेंगे, थर्ड लैब करेंगे, और इवनिंग वाले जो है वो आज पुरानी तमाम लैब्स करेंगे, ठीक है? अच्छा खैर, मुझे अपना टॉपिक आज कवर करने दो, बाकी फिर देखती हूँ अभी करना क्या है। अच्छा दूसरी बात, आपके पास मीटिंग आईडी लेस देन 1 है, दोबारा से जो रिज्वाइन करनी है आपने। पहली बात ही आपके पास इंट्रीगेशन की आ गई, इंट्रीगेशन यहाँ पे सिंपल इंट्रीगेशन इस्तेमाल है, यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर भी अप्लाई करो, नहीं होती तो फिर बात करेंगे आगे। अच्छा अब यहाँ पे आपने पास यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे तमाम आपके पास पीडीएफ फंक्शन गिवन है, पीडीएफ फंक्शन गिवन होने के बाद आपने क्या करना है, तीन पीडीएफ फंक्शन गिवन थे तो उसका मतलब है तीनों की आपने क्या करना है, पैरेलल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और पैरेलल इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद फाइनली इन तमाम वैल्यू को क्या कर देना है, सम कर देना है, ठीक है? तो अगर ये आपके पास जो है वो 1 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने वेरीफाई कर लिया कि ये जो अबव फंक्शन आपके पास गिवन है ये फंक्शन आपके पीडीएफ फंक्शन है, ठीक है? तो इस तरह आपने जो है वो अपनी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन